एक अहम ऐलान सुन लो सारे दोस्त का, मेरी न्यू वीडियो डेली शाम को पाकिस्तान टाइम 6 बजे आया करेगी, सुबह 8 बजे नहीं आया करेगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग। सुबह नहीं, गुड आफ्टरनून। और अभी अभी 10-11 बज गए हैं, 11:30 हो गए हैं। अम्मी और अब्बू खा रहे हैं किन्नू। सुबह से बारिश स्टार्ट है तकरीबन 5:30-6 बजे से, और अभी तक कैरी ऑन जट्टा वाला काम है, बारिश हो ही जा रही है। और मैंने कहा व्लॉग चलो कमरे में बैठ के स्टार्ट कर देता हूँ, आज बाहर तो निकला नहीं जा रहा बारिश की वजह से। और सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ अम्मी और अब्बू जी। आप समझते होंगे शायद वारसी साहब ही किन्नू खाते हैं, अम्मी अब्बू भी खा रहे हैं सख्त सर्दी में किन्नू, और बारिश में किन्नू का तो फिर अपना ही मज़ा है। अब्बू जी बैठे हैं रजाई में और अब्बू जी खा रहे हैं किन्नू। अभी आपको मैं अपनी अम्मी जी भी दिखाता हूँ, अम्मी जी भी किन्नू खा रही हैं। ये है मेरी माता जी, और माता जी भी खाई जा रहे हैं किन्नू। जय माता दी। अम्मा जी किन्नू खाई जा रहे हो, हमको भी दो ना एक। ओ दे दे हाँ छोटा जहा जड़ा प्या झोली च। यहाँ पे ये काम चल रहा है और बनने लगे हैं जी पकौड़े, सर्दी की वजह से पकौड़ों की फिर अपनी चाचा दिल कर रहा था कुछ खाने को, तो बेगम साहबा कहती हैं चलें जी पकौड़े बनाते हैं, और मैं चारा लेके आता हूँ जब तक बनेंगे पकौड़े, तो चलें चलते हैं चारा लेके आते हैं जब तक पकौड़े बनते हैं। बारिश ने तो क्या ही नज़ारे बना दिए हैं सुबह से पूरे पंजाब में। कल पल के जिस दिन की बारिश स्टार्ट हुई है पूरे पंजाब में ही बारिश हो रही है। और आप मुझे बताना ही है कि मेरी वॉइस कैसी आ रही है, मैंने माइक आज उतारा हुआ है बारिश की वजह से, उसकी पफ जो है वो ख़राब हो रहे थे बारिश से, तो इसलिए माइक उतारा हुआ है। मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बनाता हूँ और आपको नज़र आ जाए कि ऐसे में ड्राइविंग करना किस तरह का होता है। बारिश से फुल कीचड़ है हमारे लिए, यहाँ पर मरी बना हुआ है और यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। ये कीचड़ है, अब यहाँ से गाड़ी मतलब रेड़ा मोटरसाइकिल यहाँ से गुजार के लेके जानी, जो कि बहुत ज़्यादा स्लिप होता है, देखते हैं क्या बनता है। देखिए तो मैं आना उना कोई नहीं। ये हैं हमारे नवीद भाईजान, आज उन्होंने गुस्सा किया है और अभी वो चारा काटेंगे हमारे साथ। ये नवीद साहब गुस्सा कर गए हैं, रोज मैं इनको ताने देता था, आज उन्होंने गुस्सा किया है, भूसे की भरी यहाँ पे फेंक दी है और अभी चारा काटने जा रहे हैं। हम चारा लेने आए हैं तो जल्दी से किन्नू खाने वाला काम खत्म करते हैं और फिर चारा काटते हैं। हाँ ये है मेरे किन्नू। ये आज ना कीचड़ काफ़ी ज़्यादा है, बंदा अभी साथ चारा कटवा के चला गया, अब घर जाना है, तो दुआ करनी सही सलामत पहुंच जाएं, क्योंकि बाइक बहुत बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है आज, अल्लाह खैर करे। ये देखें जी, लोगों ने मकई निकाल के छलियां ये डाली हुई हैं, पर बारिशों की वजह से अब ये मुझे नहीं लगता जल्दी उठा पाएंगे। ये देखें, और ये रास्ते के हालात देख लें जहाँ से हम जा रहे हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा दिखा दूं और आपको अंदाज़ा हो जाए कि वारसी साहब कितनी सख्त ड्राइविंग कर रहे हैं और कितने अच्छे ड्राइवर हैं। हालांकि हालात हर तरफ ऐसी हैं माशाल्लाह, माहौल साफ़ सुथरा हो गया है, हमारे जो फ़जाई आलूदगी बढ़ रही थी ना वो कम हो गई है। ये देखें, ये भाईजान चूल्हा बना रहे हैं, मिस्त्री अब वेल्डिंग का काम छोड़ के ना चूल्हे मरम्मत का काम शुरू कर दिया। और ये मेरा मोमना, ये मेरा लाला और ये मेरा छोटा लाला, हो गया ओके भाई। ये इतनी सारी रेता निकाल के यहाँ पे चूल्हा नीचे करके लगाया है,
उधर हमने ऐसे लगाया हुआ है, इन्होंने ये लगा दिया। आ समा चंगा किया यार, कच्चे नालों पक्के वाला काम ठीक है मेरे हिसाब ना, वो भी एवं भोरा जी। फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल न्यू वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।